सर, सो हम लोग इंट्रोडक्टरी बात पढ़ चुके हैं, मतलब क्या होता है सब्जेक्ट, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, सो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और मैं ये भी बता चुका हूं क्या स्टैटिक फेलियर क्या था, डिजाइन अगेंस्ट फर्स्ट चैप्टर जो होता है डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक फेलियर होता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहीं पे दे चुका हूं। और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर दैट नेम इज फर्स्ट चैप्टर मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट इन द मशीन डिजाइन इज डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड, डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। और जो भी माय ये कॉन्सेप्ट, अगर जो कोई भी स्टैटिक फेलियर के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट आता है कहीं पे भी, तो मैं उसी को उस चीज को वहीं पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फेलियर एनी हाउ यू विल स्टडी इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आल्सो, सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट मच। तो स्टैटिक फेलियर जो हम लोग पढ़ेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक है वो डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड है। तो ओके सर, फ्लक्चुएटिंग लोड थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्या फ्लक्चुएटिंग लोड क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है। आज पहले मैं क्या क्या बोला था, मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बोला था कि मैं एक क्वेश्चन लूंगा, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं हर एक चीज को कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके रिलेटेड जितना भी थ्योरी होगा आई विल गिव टू यू, आई विल प्रोवाइड फॉर यू, ओके, बिकॉज दिस इज अ क्रैश कोर्स टाइम। सो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उसको लूंगा, और जो नहीं भी पूछा गया है आई विल बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो, एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चंस कैन कम, हाउ यू आर एबल टू सॉल्व, एंड जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा पहले उसको कंसिडर करेंगे, मतलब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसके रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा उसको मैं वहीं पे बता दूंगा और कवर कर लेंगे, और आप अच्छे से समझ जाएंगे उस चीज को। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे वो गेट 1992 में पूछा गया है, गेट 1992 में पूछा गया है, वन मार्क्स नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके यहां से मैं कॉन्सेप्ट लाऊंगा, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है इस चैप्टर में, इसलिए मैं इसको लिया हूं। दैट्स व्हाई आई टेकन दिस कॉन्सेप्ट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू पीपल। ओके सर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ लार्ज यूनिफॉर्म प्लेट कंटेनिंग अ रिवेट होल सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सियल टेंशन ऑफ 90 मेगा पास्कल, द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द प्लेट पिच, एक्चुअली सब्जेक्टेड टू बोल रहा है, सब्जेक्ट क्या किया गया है, लोड सब्जेक्ट किया है, ड्यू टू दैट लोड द स्ट्रेस इज गोइंग टू जनरेट और इंड्यूस, स्ट्रेस को सब्जेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन ये इसका कहने का मतलब यह है कि हर सब्जेक्टेड द लोड, यू हैव अप्लाइड द लोड, आफ्टर अप्लाइंग द लोड दिस इज गोइंग टू रिवेट होल, रिवेट इज गोइंग टू रिड्यूस, व्हाट रिवेट इज गोइंग टू रेसिस्ट दैट लोड, ड्यू टू दैट रेसिस्टेंस द स्ट्रेस इज गोइंग टू जनरेट, बट अ स्ट्रेस इज अ नॉट सब्जेक्ट, अ स्ट्रेस इज व्हाट इंटरनल प्रॉपर्टी, अ स्ट्रेस इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी, इट्स कमिंग फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, इट्स कमिंग फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, जब रेस्ट्रिक्शन होगा तभी स्ट्रेस होगा, जब रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो देयर इज अ नो स्ट्रेस। ओके सर, तो ये क्वेश्चन कह रहा है सर कि इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, तो इसके रिलेटेड जो सबसे पहले इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट करना दिखाना चाह रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, क्योंकि सर स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट करते हैं कहां पे, स्टैटिक लोडिंग में, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर स्टैटिक इन द स्टैटिक लोडिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट टर्म आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस, फर्स्ट टर्म फॉर द मशीन डिजाइन ऑफ मशीन में सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन वर्ड, दैट वर्ड नेम इज, द वर्ड नेम इज अ स्ट्रेस, द कॉन्सेप्ट नेम इज अ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, अ स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बताऊंगा माय डियर फ्रेंड। कंसंट्रेशन ओके सर जैसे ही मैं लिखा स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्टैटिक डिजाइन के बारे में बताना चाहता हूं। स्टैटिक अगर जो किसी लोग किसी सिस्टम को किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिमेन को डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो अगर जो स्टैटिक लोड में डिजाइन करना चाह रहे हैं,
तो क्या होता है सर? आप तीन इक्वेशन, तीन इलिमेंट्री इक्वेशन जनरली यू आर यूजिंग, नॉर्मल स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस इक्वल टू पी बाई ए, बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग इक्वेशन से आता है, क्या आता है एम अपॉन आई इन टू वाई और एम अपॉन जेड, जेड इज नथिंग बट नोन एज सेक्शन मॉडुलस। एक और आता है क्या, टाउसियर स्ट्रेस टी अपॉन जे इंटू आर, ओके जे वाई आर बोला जाता है पोलर सेक्शन मॉडुलस। ओके सर, ये इक्वेशन जनरली यू हैव स्टडी आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर जो नहीं पढ़े माय डियर फ्रेंड तो आपको पढ़ाया जाएगा, आपके आपके लिए क्रॉस कोर्स उसके लिए भी डिजाइन हो रहा है तो आपको उसका क्रॉस कोर्स आएगा उसमें पढ़ाया जाएगा आपको ये सब अच्छे तरीके से, नो प्रॉब्लम। तो फॉर द टाइम बीइंग आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, बीटेक सेकेंड ईयर में, तो आप पढ़े होंगे माय डियर फ्रेंड क्या, दोज आर द एलिमेंट्री इक्वेशन फॉर डिजाइनिंग द सिस्टम अंडर द स्टैटिक लोड कंडीशन, अंडर द स्टैटिक लोड कंडीशन सर। तो सर इसमें जो एजम्पशन है, जो इस चीज को अगर जो लिया हूं उसको लिया हूं तो इसको लिया हूं, वी हैव मेड सर्टेन एजम्पशन इन दैट टाइम, वी हैव मेड सर्टेन एजम्पशन फॉर डिराइविंग दोस टाइप ऑफ इक्वेशन, डायरेक्टली वी कैन नॉट डिराइव, रियल कंडीशन इज नॉट वैलिड सर, रियल कंडीशन इट इज नॉट वैलिड, इट्स नॉट हैपनिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, व्हाई वी आर टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर दोस कंडीशन। क्यों होता है सर? तो आप यहां पे जब डिराइव कर रहे होंगे तो आपने लिया होगा क्या, मटेरियल इज होमोजीनियस, मटेरियल इज होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस है आइसोट्रॉपिक, मटेरियल इज होमोजीनियस है आइसोट्रॉपिक। अगर जो बेंडिंग की बात करते हैं तो अगर जो बेंडिंग हो रहा है तो बेंडिंग हो, लेकिन ये दिस फेस शुड नॉट चेंज, टॉर्सन हो रहा है तो टॉर्सन हो, लेकिन दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ दैट, दोस थिंग्स वी हैव मेड अजम्पशन इन दैट व्हाइल डिराइविंग दोज इक्वेशंस, वी हैव डिराइव्ड दोज इक्वेशंस सर। मटेरियल इज व्हाट, आइडियल, मतलब कोई परफेक्ट मटेरियल, परफेक्ट परफेक्ट मटेरियल means there is no defect, no defect, no defect, defect inside the material, inside the material, मतलब जब आप इसको derive करते हैं, आप इसको use कर रहे हैं तो आप उसके certain assumption ये मानते हैं कि material के अंदर कोई भी defect नहीं है, कोई भी इंपरफेक्शन नहीं है, कोई भी डिसलोकेशन नहीं है, यू हैव ऑलरेडी कंसिडर दोज थिंग्स। ओके सर, जब आपने ऐसा कंसिडर किया है, लेकिन सर एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होगा, जब आप कोई मटेरियल को कंसिडर करेंगे, लेंगे उसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी को देखेंगे तो वहां पर डिफेक्ट दिखेगा, ब्लू होल्स दिखेगा, ऑयल 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 होल दिखेगा, कीवेज होगा, स्प्लाइंस होगा, डिफेक्ट होगा, इरेगुलरिटी होगा। अगर जो सर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें ब्लो होल का चांसेस है, कैविटीज बनने का चांसेस है, पोरोसिटी आने का चांसेस है, पिन होल होने का चांसेस है, कास्टिंग कर रहे मटेरियल का, अरे मटेरियल कहीं ना कहीं से तो बनाइएगा ना, कास्टिंग कर रहे हैं कंपोनेंट का, वेल्डिंग कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं, सो व्हाइल डूइंग दोज थिंग्स नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इज कमिंग इनसाइड द मटेरियल। जब अगर जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आएगा, मान लीजिए कैविटीज क्रिएट हो गया, एयर ब्लो ब्लो होल्स आ गया, ऑयल होल हो गया, अगर जो कटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपके साथ साफ यूज करना है, उसमें बियरिंग डालना है, साफ में बियरिंग डालना है, तो कहीं ना कहीं तो स्प्लाइंस कट करेंगे ना, कीवे का की लगाना है, किसी को फिट करना की लगाना है तो कीवे बनाएंगे ना, फिलेट बनाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड इन व्हाइल डूइंग दोज थिंग्स, व्हाइल अप्लाइंग दोज थिंग्स, वी आर नॉट कंसिडरिंग दोज थिंग्स, मतलब ये सब चीज को आप कंसिडर नहीं किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड होता क्या है एक्चुअली, इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग दोज थिंग्स इन द स्टैटिक 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 लोडिंग फ्रेमवर्क, इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग दोज थिंग्स
इन दोज इक्वेशंस, तो आपने डिजाइन तो किया कि 100 मेगा पास्कल तक बर्दाश्त कर सकता है, इसका जो क्षमता है 100 मेगा पास्कल बर्दाश्त करने का है। वहां पे जो मैक्सिमम इंड्यूस होगा स्ट्रेस का लेवल, वो उस लोडिंग पे 100 मेगा पास्कल होगा। लेकिन सर वो कहीं पे इनसाइड द मटेरियल समवेयर इट इज गोइंग टू क्रॉस द मोर देन 100 मेगा पास्कल। अगर जो मोर देन 100 मेगा पास्कल को इंक्रीज कर जा रहा है, उस वैल्यू को ओवरकम कर जा रहा है, तो शुरुआत का चांसेस है। आपने डिजाइन किया था कि 100 मेगा पास्कल को डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे 110 120 मेगा पास्कल जनरेट हो गया, 150 मेगा पास्कल जनरेट हो गया, इंड्यूस हो गया स्ट्रेस उसी लोडिंग पे, उसी टेंशन पे, तो सर वो फेल होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। और सर स्टैटिक लोडिंग में तो कुछ हद तक ठीक है, मैं बताऊंगा डक्टाइल मटेरियल के बारे में, ब्रिटल मटेरियल के स्टैटिक लोडिंग में तो हर कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो हमारा लोडिंग होता है, आवर लोडिंग इज फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ लोड। फ्लक्चुएटिंग मीन्स व्हाट? कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव, कभी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां पर मैं एक चीज कंसिडर करना चाहूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक लोडिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक लोडिंग? मैं ये सब थोड़ा बता दिया सर, मैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हम यूज करने वाले हैं, आई विल टेल यू जो अपने को रिक्वायरमेंट है। ओके सर, और थोड़ा सा देखिए, तो स्टैटिक लोडिंग क्या होता है साहब? स्टैटिक एंड डायनामिक, स्टैटिक एंड डायनामिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैटिक लोडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द डायनामिक लोडिंग? तो आप क्या बोलेंगे कि सर इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट लोडिंग इज नोन एज स्टैटिक लोडिंग। पीपल आर यूज टू से लाइक दैट बिकॉज आई एम टीचिंग लॉट ऑफ प्लेसेस, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, पीपल आर यूज टू रिप्लाई सेम थिंग, सर द मैग्नीट्यूड, इफ द मैग्नीट्यूड एंड लोडिंग डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट टाइप ऑफ लोडिंग इज नोन एज स्टैटिक लोडिंग। बट सर दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए, मान लिया सर मैं एक बीम लेता हूं, कोई सा बीम ले लिया, मान लो कैंटिलीवर बीम लिया, कैंटिलीवर बीम लिया सर, ये जो मैं दिखाया हूं क्या दिखाया हूं? सेंट्रोइडल एक्सिस को दिखाया हूं, सेंट्रोइडल एक्सिस को दिखाया हूं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को दिखाया हूं। अगर जो मैं यहां पर कोई 10 kN का लोड लगा दिया, 10 kN का लोड लगा दिया, क्लियर? ये 10 kN लोड लगा दिया, उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। उसके बाद आफ्टर सम टाइम आई हैव चेंज सेम 10 kN एट दिस प्लेस, 10 kN एट दिस प्लेस। क्या किया कि ये 10 kN फ्रीज पे लग रहा था, मैं इसको यहां पर लगा दिया। माय डियर फ्रेंड, देखिए आपने क्या बोला, आपने बोला कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ इफ द लो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट लोडिंग इज नोन एज स्टैटिक लोडिंग। यहां पे मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, बट आई हैव चेंज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, आई हैव चेंज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सर डायनामिक का मतलब क्या है? टाइम के साथ वो चेंज करना। क्या चेंज करना मैटर ये नहीं है, आपका आपको क्या शो इफेक्ट क्या दिखना चाहिए, चेंज दिखना चाहिए। आप बोलते हैं कि कोई फ्रेंड का हाइट नहीं बढ़ रहा है, स्टैटिक हो गया, मतलब कुछ हाइट नहीं बढ़ रहा है, वो सही सेम रूटीन है, तो स्टैटिक हो गया। किस बेस पे बोलते हैं कि कोई इफेक्ट आपको इसमें दिख नहीं रहा है, यू आर नॉट सीइंग एनी इफेक्ट, बट अगर जो इसको आप चेंज करते हैं, अगर इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दैट, अगर इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दैट। क्योंकि यहां पर इफेक्ट क्या है दिखा, यहां पर इफेक्ट क्या है चेंज हो गया, वाइल चेंजिंग दिस थिंग द इफेक्ट इज गोइंग टू चेंज, जब इफेक्ट चेंज हो गया सो दैट इज नोन एज डायनामिक थिंग्स। मतलब आपको दिख रहा है कि सर इसमें चेंजेस है, टाइम के साथ कुछ भी चेंजेस आया, चेंजेस आया किसके लिए आया, किससे आया, इट इज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो नाउ वी हैव टू से इफ एनी लोड इज अ स्टैटिक लोड, इट शुड फॉलो थ्री थिंग्स, मैग्नीट्यूड शुड बी कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन शुड बी सेम, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शुड बी सेम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इफ इन इन ऑल ऑफ दोज थ्री
If anything is going to change, that loading is known as dynamic loading. That loading is known as dynamic loading. Okay, sir. तो हम लोग जो यहां पे पढ़ने वाले हैं वो फ्लक्चुएटिंग लोड में, तो डायनेमिक लोड का ही टाइप है. लेकिन यहां पर जो मेन चीज पढ़ने वाले हैं वो मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. जो फ्लक्चुएटिंग का मतलब यहां पर जो मेन हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड इज गोइंग टू बी चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. इट्स नॉट हियर सर. In the 80% to 90% of the machine element, you will find fluctuating type of load. मतलब कभी कुछ टाइम पे कैसा लोड लग रहा है, कुछ टाइम पे कैसा लोड लग रहा है, कुछ टाइम पे कैसा लोड लग रहा है. मैं बताऊंगा कहां पे कैसे होता है. ओके सर. तो जब इस चीज को कंसिडर करना है, फ्लक्चुएटिंग लोड को कंसिडर करना है, जब फ्लक्चुएटिंग लोड हो रहा है तो सर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा. किसका? जो उसके अंदर डिफेक्ट है, उसके अंदर डिफेक्ट है, कैविटी है, उसके चलते इफेक्ट बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगा सर. सीवियर इफेक्ट विल कम. इफ द स्टैटिक लोडिंग इज देयर एंड देयर इज अ सम डिफेक्ट, इट्स नॉट अ बिग इशू, नॉट अ बिग फेल्योर विल कम. बट अगर वो फ्लक्चुएटिंग लोड आ जाएगा तो फेल्योर जो होता है वो फटिक फेल्योर में चेंज हो जाता है. मैं बताऊंगा फटिक फेल्योर क्या होता है, कैसे होता है. सो ये जो डिफेक्ट वगैरह है उसको हमने तो नेग्लेक्ट कर दिया स्टैटिक लोडिंग में. But in the case of fluctuating loading, we have to consider because the effect will be very severe, very severe. If the effect, if you not consider, the effect will be severe. The human risk is there. It's very high. So for considering those things, we have to consider. Okay, sir. अब मैं थोड़ा इसको expand करूँगा क्या होता है. Okay. Thank you for watching. Okay. So, अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं. जो कंसीडर जो भी डिफेक्ट वगैरह आ रहा है उसको एक कंसीडर करेंगे. क्यों करेंगे अभी देखते हैं. स्ट्रेस कंसंट्रेशन में लिखा हूं तो उसका मतलब क्या है मैं अभी बताता हूं. आई एम गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर. मैं बता दूंगा क्या हुआ, क्योंकि स्टैटिक फेल्योर में, स्टैटिक डिजाइन में हम क्या करते हैं, डिफेक्ट्स को नेग्लेक्ट करते, मानते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो आइडियल है. ऐसा नहीं होता है सर, आइडियल नहीं होता है सर. हम मानते हैं लेकिन वहां पर सीवियर इफेक्ट नहीं आता है तो कोई बात नहीं. लेकिन यहां पर सीवियर इफेक्ट आएगा माय डियर फ्रेंड. तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आएगा जो उसको कंसिडर किया जाएगा, जो उसको ओवरकम करेगा. तो मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूं. ये जो प्लेट है इसी को लेता हूं. Whatever plate you are seeing on the board, ये क्या है, प्लेट है. इसी प्लेट को ले लिया. अभी मैं क्या कर रहा हूं कि लोड लगा दे रहा हूं. कितना? P लोड लगा दिया माय डियर फ्रेंड. मैं मानता हूं कि इस प्लेट में जो है एक सर्कुलर होल है. देयर इज वन सर्कुलर होल. अगर जो इस प्लेट को मैं मानता हूं कि कोई सर्कुलर होल नहीं है, देयर इज नो सर्कुलर होल ऑफ दिस प्लेट, जब आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस इज गोइंग टू इंड्यूस हाउ मच, सिग्मा इक्वल टू एवरीवेयर इक्वल स्ट्रेस इज गोइंग टू जनरेट. क्या होगा, ए भी सिग्मा इक्वल टू पी वाई ए होगा, सिग्मा इक्वल टू पी वाई ए होगा. क्लियर है सर. बगैर जब ऐसा था कि एक प्लेट दिया गया, उसमें कुछ होल इनसाइड होल कर दिया गया, उसको सेम फोर लगाया गया, उसके बाद इसको कट कर देता हूं मैं. आई हैव कट दिस पोर्शन. और ये जो चेक किया जाता है माय डियर फ्रेंड, एक्सपेरिमेंटली किया जा रहा है. दैट एक्सपेरिमेंट इज हैपनिंग ऑन द फोटो इलास्टिसिटी मेथड. जो मैं बता रहा हूं आपको वो फोटो इलास्टिसिटी मेथड के थ्रू किया जा रहा है. तो जब इसको कट कर लिया मैं माय डियर फ्रेंड, देन वी हैव कट द इन द हाफ पार्ट. अगर जो हम हाफ पार्ट कट कर दिए तो जो देखा गया स्ट्रेस का जो जनरेशन हुआ हाफ पार्ट में वो ऐसा दिख रहा था, वो कुछ स्ट्रेस ऐसा आ रहा था.
वेयर वी हैव सीन, वेयर वी हैव सीन दिस इफेक्ट, वेयर वी हैव सीन, वी हैव सीन इन, वी हैव सीन इन अ फोटो इलास्टिसिटी मेथड. ये ऐसा कुछ दिख रहा था, ये ऐसा कुछ दिख रहा था माय डियर फ्रेंड. When we have seen the space concentration of space line, we have found like that. ये तो sigma equal to p by a ही है, लेकिन ये slowly slowly increase कर रहा है. और जहां पे discontinuities है, जहां पे hole है, जहां पे discontinuities है, जहां पे defect है, defect है, जहां पे cavity है, the stress is got increased. A stress got increased. Sir, a stress equal to होता क्या है? A stressial loading पे, a stress equal to क्या होता है? Force by area. अगर मैं मेरे पूरे प्लेट के एरिया की बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट होल प्लेट एरिया, अगर इस एरिया की बात कर रहा हूं तो इतना है. जब यहां पे होल हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा? इतना डिक्रीज कर जाएगा. जब मेक द होल हो तो एरिया इज गोइंग टू डिक्रीज पी वाई डब्ल्यू माइनस बी इन टू टी. क्योंकि क्या होगा, यहां पर एरिया अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया क्या होगा? ये तो ये कितना विड्थ है, ये थिकनेस है, तो विड्थ तो थिकनेस तो सेम रहेगा. विड्थ के पास क्या आ रहा है? एक होल आ रहा है. तो होल क्या कितना, उतना जितना डायमीटर होल का होगा उतना माइनस हो जाएगा इंटू टी. तो क्या हुआ सर, ये वैल्यू डब्ल्यू इंटू टी से कम है. जब ये कम है तो स्ट्रेस क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा. स्ट्रेस क्या होगा वहां पे, यहां पे स्ट्रेस जो है वो ज्यादा हो जाएगा. आपने सोचा था कि 100 मेगा पास्कल, आपने सोचा क्या कि 90 मेगा पास्कल स्ट्रेस इंड्यूस होगा. लेकिन यहां पे स्ट्रेस कितना होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से भी देखेंगे, हाउ मच स्ट्रेस इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. सो दैट इज नोन एज स्ट्रेस कंसंट्रेशन. दैट इज नोन एज दैट बेस्ट थिंग्स इज नोन एज स्ट्रेस कंसंट्रेशन. सर इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस कंसंट्रेशन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये देखिए, यहां पे स्ट्रेस जो है, जो एक्चुअली स्ट्रेस यहां पे इतना है, लेकिन यहां पे स्ट्रेस जो है कंसंट्रेट हो जा रहा है. अगर जो मैं कोई और डायग्राम दिखाना चाहूं, देखिए अगर जो मैं ऐसा प्लेट लेता हूं, एक ऐसा प्लेट लिया जहां पे क्या है, वी नोच है, वी टाइप का नोच है. तो स्ट्रेस की बात करते हैं, अगर जो स्ट्रेस लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेस लाइन ऐसा होता है. यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जितना स्ट्रेस लाइन होगा, जो स्ट्रेस लाइन आ रहा है यहां पे क्या होगा, कंसंट्रेट हो जा रहा है. ड्यू टू दैट कंसंट्रेशन स्ट्रेस इज गोइंग टू इंक्रीज, और इट विल इंक्रीज मोर देन द स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल. से क्या होगा, फेलियर हो जाएगा. क्यों हो रहा है सर? क्योंकि ये डिफेक्ट्स है, ये डिफेक्ट्स है. ये कैसे हो सकता है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. हमने स्टैटिक लोडिंग में अज्यूम करते कि आवर मटेरियल इज वर परफेक्ट मटेरियल, आवर मटेरियल इज आइडियल मटेरियल, देयर इज नो देयर इज नो कैविटी, देयर इज नो बल्ब ब्लो होल्स, देयर इज नो ऑयल होल्स, देयर इज नो नथिंग लाइक दैट. ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, बट यहां पे क्या हो रहा है कि सर होल है, ये कैविटीज है, तो उसके पास क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन, मतलब स्ट्रेस का कंसंट्रेशन, स्ट्रेस जो है कंसंट्रेट कर जा रहा है. जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो कंसंट्रेट कर गया, जब कंसंट्रेट कर गया तो स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज कर जाता है. सो दोस थिंग्स, दैट टाइप ऑफ थिंग्स इज नोन एज स्ट्रेस कंसंट्रेशन. अभी हम कहां से फाइंड करते हैं, वी आर फाइंडिंग फ्रॉम द फोटो इलास्टिसिटी मेथड. वी आर स्टडिंग दोस थिंग्स इन द एक्सपेरिमेंटली, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फोटो इलास्टिसिटी मेथड. एंड वन मोर मेथड वी हैव टू स्टडी दोस थिंग्स, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस मेथड. ओके सर, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज को रिनोट करने के लिए एक टर्म दिया गया, उसका नाम है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. उसका नाम है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. तो क्या होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, मैं बताता हूं. तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि यह सिग्मा मैक्सिमम यहां पर है. यहां पे क्या है, सिग्मा मैक्सिमम कहां पे है, नियर द डिस्कंटिन्यूटीज, नियर द इररेगुलरिटीज, नियर द डिफेक्ट्स, नियर द कैविटी. सो एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बोलता है
कि द स्ट्रेस द रेशियो ऑफ स्ट्रेस नियर द डिसकंटिन्यूटीज दैट इज व्हाट मैक्सिमम स्ट्रेस. अरे यहां पे क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस नियर द डिसकंटिन्यूटीज डिवाइडेड बाय नॉमिनल स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस अंडर दैट लोडिंग अंडर दैट कंडीशन. सो इसको मैंने लेता हूं सिग्मा नॉट. सो दैट इज नोन एज अ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. दैट इज नोन एज अ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्कंटिन्यूटीज पे मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है, नियर टू डिस्कंटिन्यूटी मैक्सिमम स्ट्रेस इज गोइंग टू कंसंट्रेट एट वन पॉइंट, सो इट्स गोइंग टू इंक्रीज. So this, for considering that term, for considering the effect, we have taken one term that is known as theoretical, actually a stress concentration factor. इसको बोला जाता है क्या? A stress concentration factor. And that is known as actually theoretical a stress concentration factor. क्यों? क्योंकि इसमें देखिए केटी लिखा हूं, केटी के टर्म पे क्या आएगा? थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. क्यों बोला जाता है इसको थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर? ये भी टर्म आएगा क्योंकि एक और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पड़ेगा कुछ देर में. ये क्यों बोला जाता है थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर? बिकाउज वी आर फाउंडिंग, वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फ्रॉम द सम थ्योरेटिकल मेथड from the experiment that is nothing but photoelasticity method or finite element analysis method. So why? Because this is what experimental method theoretically we are getting. Actually we are not getting. We are getting theoretical value. So that's why known as theoretical stress concentration factor. तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आ गया. क्यों आता है मैं बता दिया. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होता है उसके वेरिएशन से आता है. प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का वेरिएशन का क्या है? उसमें सर क्या हो जाएगा? ब्लू होल्स आ जाएगा, कैविटीज आ जाएंगे या ऑयल होल्स आ जाएगा. ओके. दूसरा क्या है? ज्योमेट्री से आ सकता है. दूसरा क्या है? ज्योमेट्री के वेरिएशन से आ सकता है. ज्योमेट्री एंड कंस्ट्रक्शन के वेरिएशन से आ जाएगा. अगर जो मान लीजिए आपका शेप, आपको शेप बनाना है वो फिलेट टाइप का बनाना है, आपको फिलेट टाइप का शेप बनाना है, ऐसा फिलेट टाइप का शेप बनाना है. आपको थ्रेड बनाना है, थ्रेड विल बी लाइक दैट. तो क्या हो रहा है सर? ये देखिए सडन चेंज हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है सर? कागज का सडन चेंज हो गया. जब कुछ भी सडन चेंज होगा माय डियर फ्रेंड, द ह्यूज लॉसेस विल कम हियर देयर. इन फ्लूइड मैकेनिक्स यू हैव स्टडीड व्हाट अ स्ट्रीमलाइन फंक्शन. आप पढ़े थे वहां पे क्या? वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर. ओरिफिस मीटर में लॉसेस क्यों ज्यादा होता है साहब? क्योंकि वहां पे सडन कंस्ट्रक्शन होता है. वेंचुरी मीटर क्या होता है? ग्रेजुअली कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग. आर यू गेटिंग ऑर नॉट गेटिंग? ओके. तो वहां पर लॉसेस क्या था? कम था जब वेंचुरी मीटर यूज कर. क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली हो रहा है. जब कुछ भी ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा तो ठीक है. अगर वो कुछ भी सडनली हो रहा है द लॉसेस विल बी वेरी हाई. तो यहां पर भी क्या हो रहा है? देखिए यहां तक तो देखिए अगर जो स्ट्रेस लाइन की बात करते हैं तो ऐसा होगा. यहां पर जैसे यहां क्या होगा? शार्प हो रहा है. मतलब ऐसा इंक्रीज क्या कर रहा है? ऐसा जाएगा. यहां से ऐसा आएगा, ऐसा स्ट्रीम लाइन फंक्शन पड़ेगा. स्ट्रीम लाइन आप डिनोट किएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ऐसा ही कुछ है. तो यहां पे क्या हो रहा है सर? यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेस लाइन इज गोइंग टू बी इंक्रीज. जो कंसंट्रेशन हो रहा है यहां पे ज्यादा, तो चांसेस क्या है कि यहां से फ्रैक्चर हो सकता है, फेलियर हो सकता है. तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में कर देते हैं. ऐसा शार्प एज नहीं बनने देते. अगर जो मान लीजिए वी ग्रुप टाइप बनाया था, ये प्लेट ऐसा बनाया था, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कैसे रिड्यूस करेंगे. डिक्रीज में मतलब खत्म नहीं कर सकते स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यू कैन रिड्यूस. अगर इसको रिड्यूस करना है तो यहां पे छोटा सा बी ग्रुप बनाइए, यहां पे थोड़ा सा बड़ा बनाइए, यहां पे और थोड़ा बनाया भाई, ऐसा बनाइए मल्टीपल ग्रुप. क्या होगा? स्ट्रेस लाइन जो पहले सार जा रहा था वैसा जाएगा. अब जो यहां पर भी ऐसा ही कीजिए, यहां पे जो शार्प जा रहा था वैसा जाएगा. तो दो का मेथड फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस कंसंट्रेशन. और कहां से आ सकता है सर?
और आ सकता है क्वांट एप्लीकेशन, क्वांट ऑफ लोड एप्लीकेशन। अब लोड की बात करते हैं, अगर जो लोड क्वांट कॉन्टैक्ट पे है, अगर जो आप 10 किलोमीटर लोड, 10 किलोमीटर लोड आप एक क्वांट कॉन्टैक्ट से लगाइए, ऐसा एक साथ एक लीजिए और निडिल ले लीजिए, सर एक निडिल लीजिए, आप लोड लगाइए, इजिली आपको पेनिट्रेट कर दे रहा है, आप वही क्या लीजिए एक थोड़ा सा ऐसा मार कर लीजिए, उतना ही लोड लगा रहा हो, उतना ही लोड लगा रहा हो, पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि लोड क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर गया, लोड क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर गया। तो आपका मटेरियल का स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रेंथ है कुछ, इट कैन सस्टेन दैट मच लोड, दैट मच स्ट्रेस, बट अगर जो उससे ज्यादा चाहिएगा तो नहीं होगा। तो निडिल क्यों इंटर कर जा रहा है, क्योंकि वहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है पॉइंट है, एप्लीकेशन जो है लोड का पॉइंट पे है, तो जितना भी लोड है वो उसी पॉइंट पर ट्रांसमिट हो रहा है, तो स्ट्रेस जो है जनरेशन ज्यादा हो जा रहा है, जब स्ट्रेस जनरेशन ज्यादा हो रहा है तो उसको ओवरकम जा रहा है, आपके पास मटेरियल के स्ट्रेस को ओवरकम कर जा रहा है, सो दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो ड्यू टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड स्ट्रेस कंसंट्रेशन कैन कम ऑल्सो। जैसे आप गियर है तो गियर में क्या होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट लोड होता है, बियरिंग है नॉन बियरिंग है तो पॉइंट कॉन्टैक्ट लोड होता है, सो देयर विल बी अ चांसेस ऑफ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज मोर। लेकिन हमें तो सर वर्क करना है ना, वी हैव टू वर्क, अरे आवर सिस्टम इज वर्किंग साहब, अगर बॉल बियरिंग इज वर्किंग और नॉट, गियर इज वर्किंग और नॉट, वी आर डिजाइनिंग लाइक दैट, वी आर कंसीडरिंग ऑल दोस थिंग्स व्हाइल डिजाइनिंग, बिफोर डिजाइनिंग, सो दैट इज द थिंग्स। तो ये था हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात, कैसे आया, क्यों आया, कैसे रिमूव करेंगे वो भी बता दिया, क्या होता है, कैसे मैं एनालाइज करेंगे बता दिया। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं, ओके तो ये थी स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात। अब हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट रिमेनिंग थ्योरी आई विल कवर, रिमेनिंग थ्योरी एंड क्वेश्चन आई विल कवर। फर्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है, क्या बोल रहा है, ओके ये बोल रहा है साहब, हाँ एक चीज यहां पर बताना चाह रहा था मैं कि अगर जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन स्टैटिक लोडिंग की बात करते हैं, स्टैटिक लोडिंग की बात करते हैं, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो स्टैटिक आपको डायग्राम, दिस इज नथिंग बट टाइप ऑफ स्टैटिक लोडिंग, दिस इज नथिंग बट टाइप ऑफ स्टैटिक लोडिंग, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग की बात नहीं किया मैं, अभी थोड़ा सा बताऊंगा स्टैटिक लोडिंग और फ्लक्चुएटिंग लोडिंग के बारे में। जब स्टैटिक लोडिंग है और हमारा मटेरियल जो है डक्टाइल है, हमारा मटेरियल क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, तो कितना इफेक्ट करेगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर और स्ट्रेस कंसंट्रेशन थिंग्स, वो मैं देखे हम लोग देखेंगे। तो मान लीजिए साहब, मान लीजिए कि हमारा मटेरियल डक्टाइल है और ऐसा कुछ ऐसा शेप है हमारे पास, ये लोड लग रहा है, ये लोड लग रहा है, मटेरियल क्या है, डक्टाइल है सर, हमने डिजाइन किया कि इट कैन सस्टेन दैट लोड, मतलब वो फेल नहीं होगा, स्टैटिक लोड इतना लगाया कि इट इज नॉट गोइंग टू डिफॉर्म, इट इज नॉट गोइंग टू डिफॉर्म, ओके सर। अगर जब मैं एक चीज पूछता हूं, व्हाट इज फेल्यूअर, व्हाट इज फेल्यूअर, बार बार आ रहा है ना फेल्यूअर, व्हाट इज फेल्यूअर, व्हाट डू मीन बाय फेल्यूअर, व्हाट डू मीन बाय फेल्यूअर, थिंक एंड राइट समवेयर इन योर नोट्स एंड आफ्टर दैट वॉच अगेन वॉच द वीडियो। देखिए क्या होता है फेल्यूअर, फेल्यूअर इज व्हाट सर, फेल्यूअर नॉट अ फ्रैक्चर ओनली, फेल्यूअर इज नॉट अ फ्रैक्चर, फेल्यूअर इज व्हाट, इट इज नॉट फुलफिलिंग योर एक्सपेक्टेशन, फेल्यूअर इज व्हाट, इट इज नॉट फुलफिलिंग योर एक्सपेक्टेशन। सिंपल वर्ड में अगर समझना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं, अगर जो आप देख के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने टारगेट किया कि मेरा रैंक जो है अंडर 100 आना चाहिए, योर रैंक शुड कम AIR less than 100, okay sir, but your rank got, you got rank 150, you got AIR 150, sir your expectation was what, it should, you should get under 100, but you are getting 150, you should get under 100, but you are getting 150, this is failure for you now or not, क्योंकि ये आपने आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया, आपका जो रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल नहीं।
और एवरीवन इज ईटिंग एंड एंजॉयिंग द लाइफ, बट पीपल आर सेइंग आई एम नॉट सक्सेस, आई एम नॉट सक्सेसिंग, व्हाई? वो फेल क्यों है? अरे वो भी तो जी रहा है, एक भिखारी है वो भी जी रहा है, एक जो सब्जी बेच रहा है वो भी जी रहा है, वो भी तो आप सब्जी वाले से बोलिएगा आप सक्सेस है, बोलेगा सक्सेस है भैया, हम लोग कमा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, क्या है दिक्कत क्या है? बट यहां आप अच्छे कपड़ा भी पहन रहे हैं, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद ही बोल रहे हैं आई एम नॉट सक्सेस. Why? Because your expectation to reach that level and you are in that level. तो ये failure है. तो ये depend करता है कि आपका requirement क्या है, expectation क्या है. According to expectation, the failure and the success is going to happen. So that is the failure. Failure is not always fracture. Failure is not always fracture. अगर जो मैं इस marker को design कर रहा हूँ कि ये वो system करेगा, ये depend नहीं करेगा कि बैठ लो. अगर जो थोड़ा सा ज्यादा लोड हो रहा है तो डिफॉर्म कर जाएगा, टूट नहीं रहा, इट इज नॉट गोइंग टू क्रैक, इट इज नॉट गोइंग टू क्रैक, बट ये डिफॉर्म कर गया ऐसा खत्म है कहानी. अगर जो आप बियरिंग डिजाइन किए गियर डिजाइन किए और आप तो बोल रहे हैं कि क्या ये वर्क करे ऐसा, अगर सर उसमें बियरिंग में क्या होता है, क्रैक नहीं मतलब फ्रैक्चर नहीं होता है, जब फ्रैक्चर आप देखिएगा फ्रैक्चर नहीं हो रहा है लेकिन वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया, अगर जो मैनल सॉरी डिफॉर्म हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो क्या होगा साहब, क्या होगा साहब, आपका सिस्टम जो है कट 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 आवाज दे रहा है. क्यों? क्योंकि इट इज डिजायर फॉर दैट मच सिंप्लिसिटी, दैट मच डिफॉर्मेशन होनी, अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो खत्म है, क्रैक नहीं हुआ, फ्रैक्चर नहीं हुआ आपका, दैट यू आर गोइंग टू चेंज द सिस्टम, बिकॉज वहां पर उस लेवल का एक्यूरेसी चाहिए होता है. क्लियर? तो फेलियर इज नॉट अ फ्रैक्चर, फेलियर इज व्हाट? इट इज नॉट नॉट फुलफिलिंग द योर एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट, दैट इज नथिंग बट फेलियर. ओके, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं द टाइम मटेरियल. अगर जो स्टैटिक वेव लग रहा है और द टाइम मटेरियल है, दूसरा क्या है, ब्रिटल मटेरियल है. दूसरा क्या है, सेकेंड वन इज ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल. अब हम सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर नहीं हुआ है, तो मैं यहां थोड़ा सा बता देता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे. तो आप बोलिएगा सर इट इज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मटेरियल कैन एलोंगेट एंड व्हाट विड्रॉल इनटू बाय दैट इज नोन एज व्हाट, डक्टाइल मटेरियल. बट नॉट सर, अगर जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़े होंगे माइंड स्टील के लिए, तो मैं ड्रॉ करता हूं, यहां तक क्या है, इसके बाद क्या हो रहा है, थोड़ा ये ऐसा होता है, क्या है ये है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट, ये है हमारा इलास्टिक लिमिट, यह है इल्ड अपर इल्ड पॉइंट, लोअर इल्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, दिस इज द फ्रैक्चर पॉइंट. सर जैसे ही वो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा जाएगा क्या होगा, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा जैसे ही आगे बढ़ेगा, आप अगर जो मटेरियल को माइल्ड स्टील को लोड किए, लो कार्बन स्टील को लोड किए, इसके बाद अगर टेन मटेरियल को लोड किए, इसके बाद देयर विल बी द परमानेंट डिफॉर्मेशन, देयर विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोला जाता है. अगर जो मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से ज्यादा आ रहा है, 5% से ज्यादा जैसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है, दैट मटेरियल इज नोन एज डक्टाइल मटेरियल. इफ द परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज लेस देन 5%, दैट इज नोन एज ब्रिटल मटेरियल. ब्रिटल मटेरियल सर, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, इट कैन सस्टेन मोर लोड, ऑल्सो नो प्रॉब्लम. If you break concrete, it will sustain you. If you want to elongate the concrete, if you want to elongate the ceramic, it is not going to elongate. It will fail. It will fracture. Not fail. It will fracture, but it will not elongate. So that is not permanent deformation. नहीं आएगा सर, वहां पे आएगा लेकिन less than that much आएगा. So that material is known as plastic. Sorry, brittle material. So that is brittle material and ductile material. Okay, sir. तो अब देखिए, तो ये था डक्टाइल और ब्रिटल हो गया. तो ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, इंड पॉइंट आप क्या देखेंगे, एक पॉइंट जो इंड पॉइंट कंफर्म नहीं आता है और लो कार्बन हाई कार्बन स्टील में भी नहीं आता है, यह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको कवर किया जाएगा, इसलिए मैं यहां पर ज्यादा बता नहीं रहा हूं. क्लियर? अब देखिए डक्टाइल मटेरियल को देखते हैं. तो अगर जो मेरा मटेरियल जो है डक्टाइल है
और स्टैटिक लोडिंग है तो क्या होगा सर? मान लीजिए यहां पे क्या है स्ट्रेस, हमने डिजाइन किया था कि ये जो लोड है इसमें यील्ड स्ट्रेंथ से कम हो, दिस लोड बी लेस दैन द स्ट्रेस इज गोइंग टू जनरेट और इंड्यूस इन द लोड इन दिस मटेरियल अंडर दैट कंडीशन इट शुड बी लेस दैन यील्ड स्ट्रेंथ। बट सर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या हुआ कि जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज कर गया किससे? यील्ड स्ट्रेंथ से। जैसे ही वो यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा क्या होगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। जब परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? डिफॉर्म करने लगेगा। जब डिफॉर्म करेगा तो स्ट्रेस का लेवल डिक्रीज कर जाएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो क्या होगा? ड्यू टू डेट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। सो जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये तो फेल नहीं किया ना, अरे ये तो सस्टेन कर रहा है ना उस लोड को। सो इफ द मटेरियल इज द टाइम मटेरियल एंड लोड इज स्टैटिक देयर इज नॉट अ बिग इशू, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विल कम फॉर अ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, क्योंकि ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इट विल डिस्ट्रीब्यूट, इट विल रीडिस्ट्रीब्यूट, नो प्रॉब्लम। बट अगर जो यही पे ब्रिटल मटेरियल आ गया, इफ द मटेरियल इज ब्रिटल, इफ द मटेरियल इज ब्रिटल, ये मतलब फ्रैक्चर नहीं होगा साहब। मेरा कहने का मकसद क्या है? इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्रैक्चर। डिफॉर्म कर सकता है प्लास्टिकली, इलोंगेट करेगा समय में, लेकिन इसको भी अगर जो अवॉइड करना है तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि एकदम वो उसी कंडीशन में हो, डायमेंशन थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो, तो आपको ऐसा डिफाइंड करना पड़ेगा, तो आपको इस टाइम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को भी लेना पड़ेगा। अगर द मटेरियल ब्रिटल है, इफ द मटेरियल इज ब्रिटल, मान लीजिए एक कंपोनेंट लेता हूं, ये क्या है? ब्रिटल है, हमने कंपोनेंट ऐसा बनाया। मान लीजिए अगर लोड लग रहा है, हमने डिफाइन किया कि क्या है, इट विल नॉट डिफॉर्म, अरे इट विल नॉट डिफॉर्म अप टू व्हाट? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें नहीं आएगा, अब तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑल्सो, तो हमने जो डिफाइन किया था इसको, उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए डिफाइन कर दिया साहब, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ये आगे फ्रैक्चर होगा इधर और इधर वैसा ही रहेगा, तो डिफाइन कर दिया। लेकिन यहां पर जो है स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसको कवर, उसको इंक्रीज कर गया, इधर का स्ट्रेस इज गोइंग टू इंक्रीज बाई इंक्रीज अप टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर जो उसको ओवरकम कर दिया तो यहां पर क्या होगा? फेलियर हो जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा साहब, फ्रैक्चर हो जाएगा, मटेरियल टूट जाएगा, जब टूट जाएगा तो क्या होगा साहब? खत्म है कहानी, खत्म है कहानी। हो सकता है आप वहां बैठे हैं उस चीज पे, अब चेयर है ब्रिटल मटेरियल का बनाया है, आप बैठे हैं और वो उस चीज को ओवरकम कर रहा है, इतना लोड लगा कि वो क्या किया, उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दिया, क्लोज कर दिया, वो फ्रैक्चर हो गया, आप गिर गए, खत्म कहानी। तो ये है कहानी ब्रिटल मटेरियल। तो जब ब्रिटल मटेरियल होगा, इन द स्टैटिक लोडिंग ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन वैल्यू, बट इन द डक्टाइल मटेरियल देयर इज नॉट अ बिग इशू, नॉट अ बिग इशू, क्योंकि फ्रैक्चर नहीं हो रहा साहब। जब फ्रैक्चर नहीं होगा इंडिकेशन पता चल जाएगा डक्टाइल मटेरियल में कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फेल होने वाला है, तो हम चेक कर देंगे। लेकिन सर जब इंडिकेट ही नहीं करेगा कि हम फेल होने वाले हैं और सडनली कुछ हो जाए तो सदमा है ना, तो सदमा ऐसा होगा कि खत्म हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज ब्रिटल मटेरियल। लेकिन सर जब फ्लक्चुएटिंग लोड होगा साहब, इफ द लोड इज फ्लक्चुएटिंग, अब यही पे मैं फटिक फेलियर भी बता देता हूं, इफ द लोड इज फ्लक्चुएटिंग, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, जब बताइए रहा हो तो यहां पे फटिक फेलियर भी बता देता हूं। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन को मैं समझा दिया, जितना भी उसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड था, आई हैव गिवन ऑल दोस थिंग्स। एक और चीज है फ्लोटो इलास्टिसिटी मेथड से आता है, उसको मैं यहां पर बता दूंगा, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछ रखा है सर, अभी नहीं पूछा है, पूछ सकता है। फ्लक्चुएटिंग लोड, अगर जो मटेरियल क्या फ्लक्चुएटेड है, अगर जो लोडिंग हमारा स्टेट ऑफ स्टैटिक लोडिंग, द लोडिंग इज नॉट फ्लक्चुएटिंग, और मटेरियल भी डक्टाइल है, कोई बात नहीं, मटेरियल डक्टाइल है, मटेरियल क्या है? डक्टाइल है। तो अगर जो फ्लक्चुएटिंग लोड है साहब, तो जो फेलियर होता है यहां पर, दैट फेलियर इज नोन एज फटिक फेलियर, दैट फेलियर इज नोन एज फटिक फेलियर। कैसे कैसे? फटिक का मतलब क्या है? फटिक कैसे होता है मैं बताऊंगा, फटिक का मतलब क्या होता है, फटिक फेलियर, फटिक फेलियर, फटिक का फेलियर, फटिक का मतलब यह होता है लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आप बोलते हैं सर सुबह से आप गए ऑफिस गए, शाम तक आते हैं, बोलते हैं आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड,
आई एम फीलिंग वेरी फटिक, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड. क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि आप पे क्या हो रहा है, रिपीटेटिव स्ट्रेस लग रहा है, रिपीटेटिव लोडिंग लग रहा है. कभी आप खुश है, कभी इंजॉय कर रहे हैं, कभी कभी दुख में है. तो ऐसा क्या हो रहा है कि लोड जो है रिपीटेटिव हदम नहीं लग रहा है, कभी लोड लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कभी लग रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है. जब वो फ्लक्चुएट करता है, ऐसा ऐसा फ्लक्चुएट कर रहा है, सो उससे क्या होता है, लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है. मतलब आप टायर्ड फील करने लगते हैं. अब दैट इज नोन एज फटीग. तो ये जो लोड है सर, फ्लक्चुएटिंग लोड है. मतलब कभी लोड का मैग्नीट्यूड 100 मेगा पास्कल होगा, मतलब स्ट्रेस बता रहा हूं वहां पर जनरेट हो रहा है, लोड लगाता है, स्ट्रेस इंड्यूस होगा 100, मतलब ऐसा लोडिंग होगा. मान लीजिए ऐसा लोडिंग होगा, ऐसा लोडिंग हुआ, या तो ऐसा लोडिंग होगा. मैं कितने टाइप का लोडिंग होगा मैं बताऊंगा अभी. ऐसा लोडिंग होगा, एक क्वेश्चन होगा उस पर बताऊंगा, एक क्वेश्चन पूछ रखा है उस पर बताऊंगा, उससे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में. तो ऐसा लोडिंग होगा मान लीजिए. So in that type of loading, fatigue failure is going to happen. So fatigue failure क्या होता है कि fatigue failure का जो material को analyze करेंगे, मतलब देखा गया, experiment भी फाइल किया गया, तो fatigue failure में क्या होता है, पहले micro crack generate करता है. कहां पे generate करेगा, जहां पे impurities present है, जहां पे irregularities present है, जहां पे cavity present है, जहां पे defect present है, वहां पे सबसे पहले micro crack is going to form. यहां पर क्या होगा, माइक्रो क्रैक फॉर्म करेगा. आफ्टर सम टाइम क्या हो रहा है, ये ऐसा 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 लोड लग रहा है. जब लोड ऐसा लग रहा है तो दिस माइक्रो क्रैक इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इंटू मैक्रो क्रैक. मैक्रो क्रैक यहां से यहां तक होने में ज्यादा, इस स्टेज से सिंगल इनिशियल स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज से सेकंड स्टेज आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है. बहुत सम साइकिल इन द सम फ्लक्चुएटिंग लोड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट लाइक दैट. बट अगर जो एक बार ये फॉर्म कर गया, जो मोस्ट ऑफ द लाइफ कंपोनेंट का होगा वो इसी में होगा, माइक्रो क्रैक के स्थान में. उसके बाद क्या होता है कि सर ये कोई इंडिकेशन नहीं देता है कब फ्रैक्चर कर जाएगा, कोई पता नहीं है. वी डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू फ्रैक्चर, बिकॉज ये सब चीज जो है आप नेकेड आई से नहीं देख सकते. नेकेड आई से कब देखेंगे, इसको देखेंगे. नेकेड आई से किसको देखेंगे, इसको देखेंगे. मतलब खुली आंखों से आप किसको देख सकते हैं, फ्रैक्चर को देख सकते हैं. और फ्रैक्चर जो होता है सडन होता है. अगर जो स्टैटिक लोडिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, आप लोड लगा रहे हैं, पहले इलोंगेट करता है, फिर नैरो होता है रीजन, फिर रुडार पॉइंट फॉर्म करता है, उसके बाद 45 डिग्री पर फेल होता है. ब्रिटिल फेलियर कैसा होता है सर, सडन फेलियर होता है. ब्रिटिल फेलियर इज अ सडन फेलियर, सड़क खत्म, ऐसा सडन फेलियर होगा साहब. अगर जो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल क्या, आप अपने बचपन में या कहीं कभी भी किए होंगे जब आपको एल्युमिनियम वायर वगैरह तोड़ने की जरूरत पड़ी होगी बचपन में. अगर जो गांव से होंगे, कहीं से होंगे, तो क्या है, अगर जो फोर्स आप ऐसा लगाते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक. अगर जो उस वायर को ऐसा खींचते हैं तो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं. आपके पास उतना ही कैपेसिटी है जितना दूसरे में लगाइएगा, उससे कम लगाइएगा. आप पूरा अपना जोर लगा दिए, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू ब्रेक. इन द नेक्स्ट स्टेप यू अप्लाइड लोड लाइक दैट, यू अप्लाइड, मतलब इस मार्कर पे ऐसे लोड लगा रहे हैं, 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 तो इट विल ब्रेक इन द सम सेकेंड, आफ्टर सम सेकेंड, मतलब आफ्टर सम साइकिल इट इज गोइंग टू ब्रेक. क्यों हो रहा है सर, क्योंकि वहां पर लोड कर रहे हैं, रिपीटेटिव स्ट्रेस लग रहा है, लोड कर रहे, देखिएगा वहां पर टच किया तो हीट भी फॉर्म होगा. क्यों, क्योंकि वहां पर मटेरियल का हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है, ड्यू टू दैट द स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज. टाइम के साथ क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है. अगर जो स्टैटिक लोडिंग में है तो इसका जो स्ट्रेंथ जो है टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर रहा है, क्योंकि आप एक बार लोड लगा रहे हैं, वो लोड चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, और लगा रहे तो ठीक है लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसा जीरो मैक्सिमम और मिनिमम मैक्सिमम, तो ब्रेक कर जाता है कुछ ही साइकिल में. सो दैट इज नोन एज व्हाट, फटीग फेल्योर. तो ये फटीग फेल्योर है सर. तो प्रॉब्लम क्या है, बताएं, अगर जब टाइम बताए भी है तो फेल्योर कैसा हो रहा है, सडन फेल्योर हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है. वी कैन दे आर नॉट गिविंग इंडिकेशन एंड गोइंग टू फेल. जब इंडिकेशन नहीं दे रहा है, फेल हो रहा है, तो क्या करें साहब क्या करें. तो इन दैट केस, इन द रिपीटेटेड और फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, वी आर डिजाइनिंग द सिस्टम फॉर द फाइनाइट लाइफ साइकिल. अगर जो आप चक को देखेंगे,
रिपीटेटिव स्ट्रेस लग रहा क्यों? क्योंकि जो मास सेंटर है और उसके रोटेशनल एक्सिस में थोड़ा सा एसेंट्रिसिटी होगा, कितना भी आप कुछ कर लीजिए थोड़ा सा एसेंट्रिसिटी होगा, तो क्या होगा? अनबैलेंसिंग फोर्स आएगा, जो थ्योरी ऑफ मोशन में आप पढ़ेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा जब थीटा चेंज होगा तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा डायरेक्शन चेंज होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगा तो कभी उसमें टेंसाइल लोड लगेगा, फिर कंप्रेसिव लगेगा, टेंसाइल लगेगा, कंप्रेसिव लगेगा, टेंसाइल लगेगा, कंप्रेसिव लगेगा, तो उसमें क्या हो रहा है? फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है। जब फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है तब क्या होगा? वो इंडिकेशन तो देगा नहीं, बता दिया तो इंडिकेशन नहीं देगा, उसमें माइक्रो क्रैक्स था, वो माइक्रो से मैक्रो क्रैक में कन्वर्ट हुआ, कब फ्रैक्चर होगा यू डोंट नो। और आप वहां पर काम कर रहे हैं, आप चक के पास काम कर रहे हैं, लेथ के पास, कब फ्रैक्चर होगा आपको उड़ा लेके जाएगा, लाइफ को उड़ा देगा, पता ही नहीं चलेगा। सो द इन द फटीग लाइफ इन द फटीग फेलियर ड्यू टू देयर इज नो इंडिकेशन बिफोर फेलियर, दे आर नॉट गिविंग एनी इंडिकेशन बिफोर फेलियर, सो वी हैव टू डिजाइन द सिस्टम फॉर द फाइनाइट लाइफ या इट कैन रन अप टू दैट, बिकॉज वी आर इंजीनियर्स सर, वी आर साइंस फेल इन द फटीग फेलियर, साइंस फेल आई कैन आई डोंट हैव एनी थ्योरी, व्हाट शुड आई डू, बट इंजीनियर देयर थॉट इंजीनियर स्टार्टेड थिंकिंग नो वी विल डू समथिंग, दैट इज इंजीनियरिंग सर। अगर जो साइंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा, साइंस उसको सॉल्व नहीं कर पाया, साइंस हैज डज नॉट एनी थ्योरी लेकर द फटीग, तो इंजीनियर हैज एवरी सोल्यूशन। तो इंजीनियर, अरे आप अप्लाई कर रहे हैं सर, वहां पे हाई ह्यूज टाइप ऑफ रिपीटेटिव स्ट्रेस फ्लक्चुएटिंग लोड आता है, लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं, जितना भी कंपोनेंट के साथ, जितना भी मशीन इलिमेंट है, गियर हो गया, ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, क्लच शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, आपका हब हो गया, बियरिंग हो गया, एवरीवेयर फ्लक्चुएटिंग लोड इज एक्टिंग, बट आप तो एंजॉय कर रहे हैं, आपको पता है कि फेल नहीं करेगा, कब फेल करेगा आपको ये भी पता है, क्योंकि वहां पर लिखा होता है, जब आप परचेज करने जाते हैं तो देयर रिटेन दिस मीट इट विल रन फॉर दैट मच लाइफ, इट कैन नॉट रन मोर देन दैट। सो वेयर द साइंस इज गोइंग टू फेल, फ्रॉम देयर इंजीनियरिंग इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड दैट इज नोन एज इंजीनियरिंग। मतलब जहां पे साइंस ने दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब वी आर यूजिंग साइंस टू गेट द सॉल्यूशन, बट अस देयर साइंस फेल्ड, ही टोल्ड आई कैन नॉट डू एनीथिंग, सो इंजीनियर टोल्ड ओके नो प्रॉब्लम आई विल डू समथिंग, एंड ही हैज डन समथिंग, वी आर डिजाइन फॉर द फाइनाइट लाइफ, वी आर सॉल्व द सॉल्व प्रॉब्लम, एंड दैट इज नोन एज इंजीनियरिंग। ओके सर, सो फ्लक्चुएटिंग लोड आ गया, अगर जो फ्लक्चुएटिंग लोड है, जब टाइम वेरिएबल भी है, कंस्ट्रक्शन ऐसा है, अगर जो स्टैटिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इंडिकेशन लेगा फेल करने का, लेकिन अगर जो डक्टाइल भी है, फ्लक्चुएटिंग है, जब इंडिकेशन नहीं देगा तो कभी फेल कर सकता है ना, कभी फेल कर सकता है, तो देयर वी हैव टू कंसिडर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, देयर वी हैव टू कंसिडर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। In the brittle material also, here we have already considered brittle material concentration factor, the static loading also. So that is all about the stress concentration factor and fatigue failure. जो भी कहानी था fatigue failure का, stress concentration factor का, मैं सारा discuss कर दिया, my dear friend. Okay, we'll design also how we are going to design. We will design the also system. तो ये की कहानी. अब इस question को खत्म करते हैं, यहाँ पे करते हैं. इसके बाद आपको next video में मिलेगा. जो फ्लक्चुएटिंग लोड है पहले, उसके बाद आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आएगा, एक और कॉन्सेप्ट आएगा यहां पे, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर और नोज कंसेप्ट, नोज सेंसिटिविटी, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, देखिए माय डियर फ्रेंड, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, जितना भी कहानी था फटीग फेलियर का, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का, मैं सब कुछ बता दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं हूं यहां पे, ये क्रैश कोर्स है, उसके बाद मैं सब कुछ डिस्कस कर दिया हूं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, because ultimate goal is what? Our ultimate goal is to solve the numerical in the examination also. But actually, sir, subject is not developed for that examination actually. Subject is not developed for this examination. Subject is developed for what? For designing the system, designing the machine element. Not for subject examination. But unfortunately, our education system is like that. So we need to study and we have to study. We have to qualify the examination. We have to get the good rank in the examination. Otherwise, sir, life will be, you know, okay, better, you know, okay. अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। A large uniform plate containing a rigid subjected to uniform axial tension that much. The maximum stress in the plate is
अगर जो आप यहां पे कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं स्टडी ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो क्या मैक्सिमम लोड रिटेन हो जाएगा? आपको कर दिया, आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है इनसाइड। अगर जो आपको प्लेट दिया अंदर क्या है, अंदर ये पता है रिमिट हो रहा है आपको दिख रहा है तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर जो मैटेरियल आप लिए मान लीजिए रिमिट हो नहीं दिया है, एक कैविटी है, ये कैविटी है उसके अंदर आपको पता नहीं है, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं। जब आप फोटो इलास्टिसिटी मेथड से जाते हैं तो देख पा रहे हैं, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गया। यहां पे क्या होगा, हम दिखा चुके हैं इसको काट के, कट करके दिखाया ना फोटो इलास्टिसिटी मेथड से। ओके, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो लोड लग रहा है, ये जो लोड यहां पर जो स्ट्रेस आ रहा है ये नॉमिनल स्ट्रेस है, ये नॉमिनल स्ट्रेस है, मतलब सिग्मा नॉट इक्वल टू नॉर्मल लोड जो लग रहा था डिवाइड बाई नॉर्मल एरिया पे, जो भी मतलब इसका एक्चुअल एरिया प्लेट का। तो क्या मैं लिख सकता हूं लोड बाई लोड जो एरिया है इसका क्या है, विड्थ ऑफ द प्लेट इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, विड्थ ऑफ द प्लेट क्योंकि जो प्लेट होगा रेक्टेंगल प्लेट ही होगा, तो विड्थ ऑफ द प्लेट इंटू थिकनेस ऑफ द, जो लग लोड लग रहा था लग रहा फ्रेंड द लोड इजेक्टिंग हेयर, सो लग लोड इजेक्टिंग हेयर सो स्ट्रेस भी तो यही जनरेट होगा, तो यहां से विड्थ ये थिकनेस हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूं 95 मेगा पास्कल डिवाइड बाय पी बाई डब्ल्यू इंटू टी, तो क्या मैं लिख सकता हूं पी इक्वल टू 95 इंटू डब्ल्यू इंटू टी, और जितना ये लोड लग रहा है वही लोड तो यहां पर भी लग रहा है, वही लोड यहां पर भी लग रहा है, तो यहां का एरिया कितना है माय डियर फ्रेंड, मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे आएगा जहां पे एरिया कम होगा, एरिया कहां पे कम है जहां पे होल है नियर टू द होल, तो लोड कितना आएगा, कितना लोड आएगा, लोड तो सेम रहेगा, तो क्या मैं सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू लिख सकता हूं 9 पी डिवाइड बाई एरिया कितना हो जाएगा डब्ल्यू माइनस, मान लिया यहां से यहां तक डब्ल्यू बना हो विड्थ बना हो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है डायमीटर ऑफ होल डी, कहां पर लग रहा है उसका कुछ थिकनेस भी है टी, तो हमें पता है कितना ये 95 मेगा पास्कल है, W का वैल्यू दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, तो इसको mm में चेंज कर लीजिए, mm में चेंज कर लीजिए, थिकनेस को रहने ये कैंसिल आउट हो जाएगा, W माइनस कितना है ये 100 हो गया, अरे 100 हो जाएगा ना सॉरी 10 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच 100 mm, 100 माइनस 5 क्योंकि हम mm में दिया इसलिए कन्वर्ट किया हो 100 में माइनस 5 इंटू टी, सो टी कैंसिल हो गया, बचा कितना सिग्मा मैक्सिमम क्या हुआ, सिग्मा मैक्सिमम हो गया 100 मेगा पास्कल, एम आई राइट 100 मेगा पास्कल, क्यों सर, क्योंकि यहां पे जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा W माइनस डी हो जाएगा, यहां पे 95 मेगा पास्कल लग रहा था, कितना लग रहा था 95 W इंटू डी, इतना लोड हो गया लोड डिवाइड बाई दैट मच, सो लोड कितना है ये कितना 100 है, 100 माइनस 5 कितना हो गया टी कैंसिल हो गया, ये बचा गया 95 का 100 मेगा पास्कल मैक्सिमम स्ट्रेस आ गया। सो मैक्सिमम आपने लगाया सोचा क्या था कि जो स्ट्रेस जनरेट होगा ये 95 होगा, लेकिन वहां पे नियर टू द डिस्कंटिन्यूटीज और होल इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 100 मेगा पास्कल। अगर जो पूछता हूं कि व्हाट इज द थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, इसमें अगर जो आपने पूछ दिया व्हाट इज द थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ऑफ दिस वन, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 95, दैट इज द थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर द दिस प्लेट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, I will go on next video. In the next video, we'll find no sensitivity, phoric stress concentration factor, no sensitivity, and fluctuating load, different types of fluctuating load. क्या क्या आगे अभी मतलब पूरा subject आपको मिलेगा, लेकिन next video में I will try to upload those things. Okay, thanks for watching. Okay. तो यहां से जो हम वैल्यू फाइंड किए वो कितना आया, वो सिग्मा मैक्सिमम इतना आ रहा है, लेकिन माय डियर फ्रेंड यहां पे एक ही नोट करने वाली बात है, यहां पे एक नोट करने वाली बात है जो मैं भी बता रहा हूं। देखिए एक मेथड मैं नहीं बताया हूं, एक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस नहीं किया हूं, उसको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, अल्टीमेटली फाइंड द आंसर। अब देखिए क्या है एक कॉन्सेप्ट यह है माय डियर फ्रेंड, यहां से देख लीजिएगा कितना 100 मेगा पास्कल आया है ना, कोई बात नहीं। अभी देखिए फ्रॉम द फोटो इलास्टिसिटी मेथड एक कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली एक मार्क्स में पूछा है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
पी फोटोइलास्टिसिटी फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू फोटोइलास्टिसिटी मेथड अगर जो एक होल अगर जो एक प्लेट में इलिप्टिकल होल है अगर जो एक प्लेट में इलिप्टिकल होल है इन द प्लेट इफ इन दिस प्लेट द इलिप्टिकल होल इज लाइक दैट तो जो स्ट्रेस कंसेंट्रेशन थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसेंट्रेशन फैक्टर आता है दैट इज नथिंग बट के टी इक्वल टू वन प्लस टू इंटू ए बाई बी वन प्लस टू इंटू ए बाई बी दिस इज नथिंग बट थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसेंट्रेशन फैक्टर फ्रॉम द फोटो फोटो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी मेथड मेथड ये कहां से आया ये आया फोटो इलास्टिसिटी मेथड से दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सर फोटो इलास्टिसिटी मेथड से ये रिजल्ट आता है जब अगर जो कोई होल एक प्लेट हो उसमें इलेक्ट्रिकल होल हो तो ये फॉर्मूला आता है जहां पर ये क्या है ये इज द साइज ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स और द डिस्टेंस ऑफ वॉट डिस्टेंस ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस इन द परपेंडिकुलर टू द वॉट लोड अप्लाइड लोड इधर भी एक्ट हो सकता है ना लोड इधर भी एक्ट हो सकता है अगर जो लोड इस डायरेक्शन में एक्ट होगा तो यहां पर जो रोलेशन आएगा मान लीजिए लोड ऐसा है तो इसमें रिलेशन आएगा के टी इक्वल टू वन प्लस टू इंटू बी बाई ए तो ये जो एक्सिस है डिपेंड करेगा लोडिंग पे ये ए शुड बी परपेंडिकुलर टू द इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ये जो मेजर करना है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लोड लोड एक्टिंग जो लोड एक्ट हो रहा है जो लोड एक्ट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए का वैल्यू होना चाहिए बी शुड बी परपेंडिकुलर डायरेक्ट सॉरी पैरेलल डायरेक्शन बी शुड बी पैरेलल देखिए ए को जो कंसिडर कर रहे हैं परपेंडिकुलर ये लोड का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दिस वन ये पैरेलल टू दिस वन क्लियर तो ये हमारा कहां से आया ये आया फोटो इलास्टिसिटी मेथड से ओके सर तो क्या मैं लिख सकता हूं अगर जो मान लीजिए इफ ए इक्वल टू बी ए इक्वल टू बी इफ द वैल्यू ए इक्वल टू बी तो क्या हो जाएगा के टी इक्वल टू वन प्लस टू इंटू ए बाई बी सो ए बाई बी इक्वल टू वन दिस इज व्हाट थ्री के टी इक्वल टू थ्री तो क्या मैं कह सकता हूं अगर जो सर्कुलर अगर जो प्लेट में सर्कुलर होल है तो इन दैट सर्कुलर होल इन द वर्ल्ड प्लेट सर्कुलर होल इज देयर सो थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इक्वल टू थ्री अगर जो ए का वैल्यू जीरो है तो क्या होगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ए का वैल्यू जीरो है मतलब ये ऐसा दिख रहा है ऐसा ऐसा ये प्लेट है और ये ऐसा दिख रहा है ए का वैल्यू जीरो है अगर ए का वैल्यू बी का वैल्यू जीरो है तो ऐसा दिखेगा इस केस में इनफाइनाइट स्ट्रेस कंसंट्रेशन आएगा उस केस में वन आएगा क्लियर तो ये जो क्वेश्चन बेस्ड है माय डियर फ्रेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली आई हैव नॉट कवर्ड एक्चुअली आई टोल्ड आई हैव कवर्ड ऑल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एंड ऑल दोस थिंग्स ओनली वन मेथड आई फॉरगेट टू टेल दैट इज नथिंग बट आवर लास्ट थिंग आई हैव नॉट कवर्ड दैट इज व्हाट दिस मेथड बिकॉज विदाउट कवरिंग दिस वन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो इसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कितना हो गया तीन हो गया और थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाई नॉमिनल स्ट्रेस जो नॉमिनल स्ट्रेस आप जो एलिमेंट्री इक्वेशन से फाइंड करते हैं वो वैल्यू कितना दिया है 95 दिया है सो के सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू सिग्मा नॉट कितना है 95 सो आंसर आएगा 285 मेगा पास्कल जो हम लोग उस मेथड से निकाले थे we have solved from this don't method that one how much 100 so one option is that one also and one option is this one also so answer is 285 megapascal nahi 100 megapascal nahi hai answer kitna hai 285 megapascal hai kyunki isko theoretical stress concentration method se solve karna padega clear so that is the answer for this question so that is the concept of stress concentration factor we have covered all those things now Okay, thanks for watching.